किशोर भारती स्कूल में कैंप लगाया गया, क्या कहोगे? हाँ जी, जय श्री कृष्णा टू ऑल। ये किशोर भारती स्कूल है, बहुत अच्छा, मतलब सारा एरिया से अच्छा है। यहाँ पे आज मेडिकल कैंप लगा हुआ, वो भी फ्री में। यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं, स्टूडेंट तो अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है हर वेल क्वालिफाइड है। हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं, प्रिंसिपल मैम जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाते हैं बच्चों को, अपना टाइम सारा बच्चों पे देते हैं। हमारे बच्चे खुद ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सारे स्टाफ बहुत क्वालिफाइड हैं और बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा हुआ, वो भी फ्री में। आज किशोर भारती पब्लिक स्कूल की ओर से कैंप लगाया गया, क्या क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक सिंह ठाकुर दिलीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से आज हमने एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया है, जहाँ पे किशोर भारती स्कूल 300 के प्लस बच्चों का चेकअप किया, जिसमें कुछ एनीमिक थे और कुछ जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी, उनको मेडिसिन एडवाइस किया है हमने। और हमारे आइज़ वाले टेक्नीशियन जो KD हॉस्पिटल से आते हैं, आज वो नहीं आ पाए, उनका हम बच्चों को हमने डेट दे दी है कि संडे को आके अपनी आइज़ की चेकअप करवा सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में आके। और साथ ही डॉक्टर निखिल, उन्होंने भी डेंटिस्ट जो पंजाब डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से आए हैं, उन्होंने बच्चों के टीथ का एग्जामिनेशन किया है और उनको एडवाइस किया है। आज किशोर भारती पब्लिक स्कूल की ओर से कैंप लगाया गया। जी, मैं डॉक्टर निखिल, मेरा यहाँ अपना खुद का प्रैक्टिस भी है, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल रोड जैमल सिंह में है। तो आज आयोजन किया गया था किशोर भारती स्कूल नरोड जैमल सिंह में, तो एज ए डेंटल सर्जन वहाँ पे कैंप लगाया हुआ था हम लोगों ने, साथ में डॉक्टर अशोक जी थे एज ए जनरल फिजिशियन। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चों का किया हम लोगों ने, दांतों का निरीक्षण किया, 300 प्लस बच्चे थे, जिनमें हम लोगों ने बच्चों को बताया, ब्रशिंग टेक्निक बताई और जो है उनको थोड़ा मोटिवेट किया अपनी दांतों को साफ़ सफाई को लेके, हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, वो तो सही था। जय श्री कृष्णा, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ किशोर भारती पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल का सालाना रिजल्ट निकाला गया, जिससे के साथ साथ हम लोगों ने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें ठाकुर दलीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल फतेहपुर, डॉक्टर अशोक सिंह और पंजाब डेंटल हॉस्पिटल नरोड जमल सिंह, डॉक्टर निखिल भगत जी ने 300 से ऊपर बच्चों का निरीक्षण किया, उनके दांतों की चेकअप की और एक जनरल सा चेकअप करके उन बच्चों को एडवाइस दी गई कि आप लोगों को ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी है। आजकल देखा गया है कि हमारे सराउंडिंग में जितना भी जंक फूड है, टॉफीज़ हैं, चॉकलेट हैं, बच्चों के आए दिन में दांत जो है वो ख़राब रहते हैं। तो इस कारण हमने ये समझा कि हम लोग कैंप लगाएं ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सी गाइडलाइन दी जाए कि इन चीज़ों को, जो शुगर से बनी हुई टॉफीज़ वगैरह हैं या चॉकलेट हैं, उनका हम लोग थोड़ा परहेज़ करें ताकि हमारे बच्चों के जो दांत हैं वो स्वस्थ रह सकें और लंबे समय तक वो अपने दांतों से आनंद ले सकें खाने का। जिसमें हम लोग डॉक्टर निखिल और डॉक्टर अशोक सिंह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को सही ढंग से निरीक्षण किया। और हम लोग आगे भी चाहेंगे कि हम 3 और 4 महीने बाद फिर से एक बार चेकअप कराएंगे ताकि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट दिखी है।